यातायात पुलिस ने फिर से शुरू की चालानी कार्रवाई। आज ये कार्रवाई देना बैंक के सामने की गई। यहाँ पर कई सारे कार्यालय हैं, जैसे कि HDFC बैंक, देना बैंक, IIFL फाइनेंस लिमिटेड आदि। यहाँ पर गाड़ियां इतनी बेतरतीब तरीके से खड़ी होती हैं जिससे रास्ता बंद हो जाता है। वहीं लोगों को भी आने जाने में खासी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यातायात पुलिस द्वारा आज यहाँ पर रोड पर खड़ी गाड़ियों की चालान काटा गया। इस बीच कई लोगों ने उनसे यह भी पूछा कि इसमें उपभोक्ताओं की क्या गलती है, जिस पर यातायात कर्मियों द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। समझ से परे है कि जब बेसमेंट का उपयोग पार्किंग की तरह करना चाहिए तो उसको क्यों इमारत के संचालक किराए पर चढ़ा देते हैं और पार्किंग की चिंता नहीं करते। वहीं गाड़ी वालों या उन ग्राहकों की क्या गलती है जिन संस्थानों में किसी न किसी काम से आते रहते हैं, जब भी काम से आते हैं तो उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ता है। अब देखने लायक होगा कि प्रशासन आगे जाकर क्या कार्रवाई करता है। अरे यार आकाश भाई, क्या बात है। तो मैंने कहा कि हम आप पवन का प्यार। हाँ हाँ रवि जी बना रही अपनी जो कार्रवाई है यातायात पुलिस की लो पार्किंग पर खड़े हुए वाहनों पर, यानी वाहन जो लो पार्किंग में खड़े रहते हैं, अभी यातायात पुलिस शुरू से ही प्रतिबद्ध है गुना शहर को एक बेहतर यातायात देने के लिए। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के भी निर्देश हैं कि यातायात में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, हमको पब्लिक को बहुत ही सुगम यातायात उपलब्ध कराना है। तो इसी कार्यक्रम में अभी 4 तारीख से 10 तारीख तक हमारा एक सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा था। उस सप्ताह में हम थोड़ा व्यस्त थे, हमने स्कूलों कॉलेजों और अपने कोचिंगों में जाके सबसे निवेदन किया, एक अपील की कि यातायात का पालन करें, लेकिन चूँकि अब 11 तारीख हो गई है, यातायात सप्ताह खत्म हो गया है, तो उसी अपील को अब हमने एक क्या कहना चाहिए उनको चेतावनी मान लिया है। जो लोग यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो आज हमने एक अभियान के तौर पर प्रारंभ कर दिया है।